भैया मैडम, अरे आप भी मैडम अभियान में लगे हैं। हो गया इधर से नहीं जमा रही है सब लोग दूर आओ ना रे मत पीछे खड़ा होके चलिए एक बार झाड़ू आती है अरे बीच में देखिए अभी ये अभियान चल रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सभी लोगों से आग्रह किया है कि स्वच्छता अभियान के तहत अपने इलाके में जहां भी कचरा हो उसकी सफाई करें, महापुरुषों के चीजों को देखें, जहां महापुरुष हैं उनके अगल बगल जो मूर्ति उनकी लगी है वहां जाकर देखें, जहां सफाई की जरूरत हो उस अभियान को चलाकर कचरा का प्रबंधन का काम शुरू करना चाहिए। देवेगौड़ा ने कहा है कि नीतीश कुमार उनके टच में थे और प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी बात उनसे चल रही थी, लेकिन वो अलग हो गए हैं, क्या कहिएगा सर इस तरह से लेना चाहिए? देवेगौड़ा जी और नीतीश कुमार जी पता नहीं चला हमको, एक चीज समझिए, नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री कौन बना सकता है? महागठबंधन के लोगों ने सपना दिखाया कि आप एनडीए से अलग होइए तो हम आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे। पिछले एक साल से नीतीश कुमार जी घूम रहे हैं, कोई उनको प्रधानमंत्री का तो दूर का बात हो, उन लोगों ने संयोजक एक छोटे से टोले का भी संयोजक बनाने से इनकार कर दिया। अशोक चौधरी और सुदर्शन जेडीयू विधायक के बीच अंतर्कलह देखने को मिला। देखिए नीतीश कुमार की पार्टी है, नीतीश कुमार जी अब गैंग चला रहे हैं और उस गैंग में विद्रोह हो चुका है। किया गया और इसी के अंतर्गत हमारे साथ हमारे पांच ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में मौजूद हैं। शंकर जी भी हम लोग के बीच में हैं। हम अपने केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह से आग्रह करेंगे कि उनका अंग वस्त्र दे करके सम्मान करें। अपने संगठन महामंत्री आदरणीय बीपी पाटिल सानिया जी आज प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में ये स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चला और इसके साथ साथ जो मुक्ति दिलाते हैं सहाय जी जैसे लोग जो 6 लाख लोगों को मुक्ति दिला चुके,
ऐसे लोगों को भी सम्मानित करने का। एक पॉलिटिकल सवाल है, जिस तरीके से देवगोरा ने कहा है कि नीतीश कुमार से बात चल रही थी और पीएम बनाने की भी बात हो रही थी, इसको लेकर क्या कह रहे हैं? अब ये देवगोरा जी जाने, नीतीश कुमार जाने। जेडीयू के लगता है नीतीश कुमार की पार्टी में अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लगातार बड़ी टूट मांग सामने आ रही है मंत्री और विधायक के बीच। नीतीश जी अब बचा ही कुछ नहीं है, तो अब नीतीश जी के साथ कोई रहने को भी तैयार नहीं है, इसलिए ये स्थिति है। राहुल गांधी आजकल फोटो खिंचाने के लिए कभी कार्यकर्ता जा रहे हैं, कूली बन रहे हैं, क्या लगता है? देखिए राहुल जी पहले कलावती बहन जो अनुसूचित समाज से थी उसके घर गए, लेकिन उसका भी कायाकल्प अपने कार्यकाल में नहीं कर पाए, तो ये फोटो सेशन चलाते हैं, कभी कुली के बीच, कभी बड़ई के बीच, कभी ट्रक के बीच, तो ये फोटो सेशन से गरीबी नहीं जानता। नरेंद्र मोदी ने गरीबी में जिया है, गरीबी देखा है, उसकी तुलना नहीं कर।